हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। केटीआई टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं थंबनेल कैसे बनाता हूं, मैं किस ऐप का इस्तेमाल करता हूं और कैसे मैं जो इफेक्ट डालता हूं या फिर टेक्स्ट टेक्सचर जो भी होते हैं टेक्स्ट इफेक्ट कैसे डालता हूं और अपने फोटो को कैसे मैं उसमें एडिट करता हूं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं भी आपको बता सकूं कि आप एक अच्छा सा बेस्ट बेस्ट थंबनेल कैसे बना सकते हैं। वैसे भी मैं नहीं सोचता हूं कि मेरा भी थंबनेल बहुत बेस्ट होता है, बट हाँ, कुछ हद तक मेरा भी थंबनेल बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों ने देख के बताया कि हाँ, थंबनेल बहुत अच्छा बनाते हो आप, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे थंबनेल बनाता हूँ वो भी ट्रिक मैं आपको साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिले। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे बनाता हूँ आप भी वैसे बनाएं, ठीक है। आप कुछ आइडिया लेंगे उससे और उसके जैसा ही कुछ आप करने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा सा आपका कॉम्बिनेशन मेरा कॉम्बिनेशन कुछ मिल के हो सकता है कुछ यूनिक बने। तो मैं कैसे अपना थंबनेल बनाता हूँ, तो ये मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ ताकि आप अपने थंबनेल को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो तब चलिए, मैं आपको चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बेस्ट से बेस्ट थंबनेल कैसे बना सकते हैं और मैं कैसे थंबनेल बनाता हूँ। मैं आपको एक थंबनेल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ऑल टू ऑल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा मैं अपने थंबनेल में क्या क्या एडिट करता हूँ या फिर क्या कैसे बनाता हूँ, ठीक है। एक थंबनेल मैं आपको बना के दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो का, ठीक है। जो मैं भी वीडियो बना रहा हूँ इसी वीडियो का मैं आपको थंबनेल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, मोबाइल के स्क्रीन पर मैं चलता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपना जो थंबनेल बनाता हूँ वो पिक्सल लैब के माध्यम से बनाता हूँ, जिसका नाम है, इस ऐप का नाम है पिक्सल लैब। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है अपना पिक्सल लैब। तो मैं इसको सिंपली ओपन कर लेता हूँ। सिंपली जब आप ओपन करेंगे तो अगर आपने कोई थंबनेल बना रखा होगा पिछले वाला, तो वो उसका रिकवरी आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप इसको कैंसिल करके न्यू प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर एक टेक्स्ट दिख रहा है आपको, न्यू टेक्स्ट लिखा होगा, तो इसको यहाँ से क्लिक करके डिलीट के आइकन पे, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ है वो कुछ स्क्वायर मूड में है, ठीक है, ऐसे मूड में है। तो इसके जो आप थंबनेल के लिए जो परफेक्ट आपका जो लेंथ होता है वो होता है 16:9, ठीक है, क्योंकि आपकी जो वीडियो होती है वो 16:9 की रेशियो की होती है। तो आपको सिंपली इसका जो सेट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ लिखना उखना नहीं है 16:9। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो खुद पिक्सल लैब प्रोवाइड करता है। आप थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर आपको दिखेगा इमेज साइज, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद से यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर कस्टम सिलेक्ट है 1:1 का रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक करना है इसी पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इतने ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें से आपको YouTube थंबनेल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि देख सकते हैं YouTube थंबनेल लिखा हुआ है, जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एस्पेक्ट रेशियो 16:9 ऑटोमेटिक आ गया। इसका वाइड लेंथ है 1280, हाइट है इसका 720, ठीक है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, जो लंबाई इसकी होगी वो आपकी होगी 1280 और इसकी जो चौड़ाई हाइट होगी ऊंचाई 720 होगा, ठीक है। तो हम इसको YouTube जब थंबनेल आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक लिख देगा, उसके बाद उसको आपको सिंपली ओके करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो गया, ये बैनर बन गया यहाँ पर, ठीक है, एक थंबनेल जैसा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ कलर है जो भी बैकग्राउंड में है, और आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और कलर में जाके आप कोई ग्रेडियंट कलर ले सकते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर कलर भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। कुछ भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। ज़्यादा कलर के लिए प्लस पे क्लिक करके यहाँ से जो मनपसंद लगे आपको वो यहाँ पर आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि ये कलर हो गया, बहुत सारे कलर हैं, आप कलर ग्रेडिंग यहाँ से कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। एक कलर ये बन गया, तो इतने सारे आप कलर्स को चूज कर सकते हैं। तो मुझे ये कलर चूज नहीं करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अपना इमेज को बैकग्राउंड के तौर पे लगा दूँ, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर इमेज पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इमेज पे लाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे यहाँ पर इमेजेस मिल जाएंगे आपको। बट दोस्तों, आप चाहते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि अपने किसी गैलरी से इमेज उठा लूँ, यहाँ पर ऑलरेडी एक इमेज का फाइल मिलता है, कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं गैलरी से उठा लूँ कोई इमेज, तो यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का नाम से ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, मेरा ये ओपन हो चुका है और मैंने अपने थंबनेल के लिए गूगल से बेस्ट बेस्ट कुछ बैकग्राउंड इमेजेस मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं उन्हीं में से कुछ चूज कर लेता हूँ जो कि सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे, ठीक है।
तो आई थिंक ये सबसे बेटर होगा इमेज। क्रॉपिंग स्टेप होगी वो 16:9 पे आप क्लिक कर लीजिएगा, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। ये हो गया, अब उसके बाद से यहाँ का काम आपका ख़त्म हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आपको जाना है प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते होंगे कि मेरा कोई भी थंबनेल बनाता हूँ तो मैं अपना उसमें एक अपना फ़ोटो डालता हूँ, तो अपना फ़ोटो डालने के लिए आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना, यहाँ पर आने के बाद आपको अपने फोटो का PNG डाउनलोड कर लेना है। एक मैंने वीडियो बना रखी है कि अपने फोटो को PNG में कैसे करें, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो उसको वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे कुछ फोटो है जो मैंने डाउनलोड किए हैं PNG में, तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट अच्छे से करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर पोजीशन पे आना है और इसको थोड़ा सा बहुत कम कर देना है ताकि माइनर आप डिटेक्ट कर सकें। अब दोस्तों मैंने इसके एडजस्टमेंट कर दी, अब सबसे जो मेन टॉपिक की बात आती है वो होती है इसकी कलर ग्रेडिंग करना, ठीक। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कैसे ये होगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन आता है कलर फिल्टर का, ठीक है, इसके आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अब इसी में से आपको इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है। तो ये मेरा, आप देख सकते हैं मेरा पिक तैयार हो गया, ठीक है। अब इस पिक का मुझे आउटलाइन भी बनाना है, तो आउटलाइन आप अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। आउटलाइन मतलब स्ट्रोक देंगे आप इसको, यहाँ पर इनेबल कर देंगे स्ट्रोक को, अनेबल हो गया। मैं इसको वाइट ही रखता हूँ क्योंकि वाइट बेटर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको टेक्स्ट लिखना है, एक फोटो हो गया, बैकग्राउंड में इमेज लग गई। अब जो तीसरी चीज है वो है टेक्स्ट का, ठीक है। आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको सिंपली ए पे क्लिक करना है, यहाँ पर ए मतलब आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब टाइपिंग करेंगे कुछ भी, ठीक है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप प्लस का आइकन यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं जो थंबनेल बना रहा हूँ वो इसी टॉपिक पे ही मैं थंबनेल बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पहले थंबनेल बना लेता हूँ ज़्यादा कोशिश करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो थंबनेल लिखता हूँ वो थंबनेल पे मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, जैसे देख सकते हैं मैंने इसको इंग्लिश में लिख लिया। अब इसी को मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ सिंपली, ठीक है, थंबनेल को। अभी यहाँ से दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो मैंने 65 पे इसका कर दिया है। उसके बाद से अब मुझे कलर इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसका कलर को वाइट रखता हूँ, उसके बाद से मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करने कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करने का मतलब ये है कि आप इसके बैकग्राउंड को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इजीली। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी जो बैकग्राउंड में थी ब्लैक, ऊपर भी ब्लैक आ गया, तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद से इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें भी एडिट कर सकता, इसका जो रेडियस है, जैसे चार कोना देख रहे हैं ना, तो कोना नहीं रह जाएगा, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब गोल टाइप का हो जाएगा इसको बढ़ाने के बाद। जैसा कि देख सकते हैं ये गोला टाइप का हो गया, ठीक है। उसके बाद से अब इसके जो कलर हैं, इस कलर का मैं कुछ यहाँ पर कर देता हूँ, कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब दोस्तों सबसे मेन पॉइंट जो है इसमें वो आपको फॉन्ट है, फॉन्ट आपको लेना होगा, बहुत सारा फॉन्ट है इसमें, ठीक है। बस आपको बेस्ट फॉन्ट इसके लिए सिलेक्ट करना होगा, तो फॉन्ट के लिए आपको यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन दिख जाता है। पिक्सल लैब जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटो डाउनलोडेड यहाँ पर मिल जाएगा। बट दोस्तों एक मैं वीडियो बनाऊंगा आप इससे भी ज़्यादा कैसे फॉन्ट ले सकते हैं, वो भी फ्री में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जल्द ही आने वाली है। मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जैसे कि माध्यम से आप बहुत सारे फंड को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैंने बहुत सारे फंड डाउनलोड किए हैं, तो यहाँ पर मेरे माई फंड में आप यहाँ पर दिख जाएंगे, बहुत सारे फंड है दोस्तों, लगभग 1000 के पास में है, ठीक है। इतने सारे मैंने फंड डाउनलोड कर रखे हैं, तो अब इन्हीं में से मैं एक अपना एक बेस्ट फंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर मैंने थंबनेल लिख दिया, अब मैं लिखता हूँ कैसे बनाएं, जो कि वो हिंदी में मैं लिखूँगा, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट लेने के लिए प्लस मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद से यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा ऐसे ही, तो ये ओपन हो जाएगा लिखने के लिए तैयार। तो मैं यहाँ पर अपना लैंग्वेज जो है वो चेंज करता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अब इसको भी सेम वैसे ही जैसे करना जैसे आपने थंबनेल को बनाया था, जैसे कि सबसे पहले आपने इसका कलर लिया था, उसके बाद से फंट आपने से तैयार किया था, अगर बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड किया था आपने, ठीक है। तो वही सब इसमें भी करना है, तो मैं ये सब कर लेता हूँ, ठीक है। Walking around in the circle of life, doing the things I know. तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा अपना थंबनेल बना दिया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, थंबनेल का मतलब ये नहीं होता कि आप खूब ज़्यादा इसमें भर भर के आप टेक्स्ट लिख दें, जैसे कि पूरा एक पेपर ही आप इस पर छाप दें, ठीक है। थंबनेल ऐसे बनाइए साफ सुथरा हो, जो कि कम टेक्स्ट हो, और कहने का मतलब कुछ और ही हो इसका, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है थंबनेल कैसे बनाएं, जो कि कोई भी पर्सन इसको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये थंबनेल के ऊपर वीडियो बनाई गई है और थंबनेल कैसे बनाते हैं इसमें सिखाया गया है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ मैंने इसी बस तीन अक्षर में ही लिख दिया है, मतलब जो थिंक है वो यही कह रहा है, ठीक है। जो ये अच्छा है वो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, इस वीडियो में थंबनेल के बारे में बताया गया है, ठीक है, और थंबनेल की पूरी जानकारी दी गई है, और इसमें थंबनेल कैसे बनाते हैं ये सब कुछ सिखाया गया है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा ही यूनिक बनाने की कोशिश करें, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको सेव करूँगा अब, ठीक है। दोस्तों सेव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेव एज ए इमेज आपको क्लिक करना है। सेव एज इमेज आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखेगा ऑप्शन, यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे जो मेन चीज़ है वहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमेंशन लिखा हुआ है, डायमेंशन पर आपको कस्टम लिखा हुआ है, कस्टम पर क्लिक करके आपको अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, ठीक है। अल्ट्रा सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर अब आपका इमेज यहाँ पर सेव हो। दोस्तों जैसा कि मेरा इमेज सेव हो गया है, मैं इसको आपको गैलरी में जाकर दिखाता हूँ, ये पिक्सल लैब के फाइल में ही आपका ये सेव होता है। तो चलिए एल्बम में जाते हैं, अब यहाँ पर पिक्सल लाइफ जैसे कि देख सकते हैं आप है मेरा, तो देख सकते हैं जैसे कि कितना आपको ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है ये मेरा थंबनेल, ठीक है। आप जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये रहा मेरा थंबनेल कुछ ऐसा देखने में लग रहा है। तो दोस्तों ये रही थंबनेल मैं कैसे बनाता हूँ ये पूरी वीडियो, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे क्या करना है और कैसे आपको थंबनेल बनाना है, आप अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप अपने थंबनेल को आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप प्लीज़ अभी लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट ऐसे ही लेके आता हूँ। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड इन्जॉय।